नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे। ज्ञानव्यापी मामला लगातार काफी समय से विवादों में घिरा हुआ है। ज्ञानव्यापी परिसर का आज से वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो रहा है। 30 सदस्यीय एएसआई टीम परिसर का सर्वे कर रही है। बता दें कि वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करेगी। इस दौरान ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एएसआई के रिटायर्ड अधिकारी टीम में शामिल हैं। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी का एएसआई सर्वे हो रहा है। आपको बता दें कि 4 अगस्त को कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट देनी है। सर्वे में मिट्टी के भी सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिसर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ज्ञानव्यापी परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। फिलहाल मौके पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों मौजूद हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय घटना के खिलाफ रायपुर शहर महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने पीएम पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। रायपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने कहा कि भाजपा की मानसिकता महिला विरोधी है, जो कभी अपने महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अपराधी सांसदों और विधायकों को अपराध करने के बावजूद संरक्षण देते हैं, खुलेआम छोड़ देते हैं। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की नेता डिसूजा जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय सुनीता सेरावत जी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी के निर्देशानुसार रायपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय टीम के थाना गोविंद नगर पर पंजीकृत गुमशुदगी के संबंधित व्यक्ति की हत्या में 3 अभियुक्तों को जन्मभूमि लिंक रोड फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन के किनारे थाना कोतवाली जनपद मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली मथुरा पर धारा 302 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही पुलिस अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पूनम विहार में एक वृद्ध दंपत्ति का मकान है, जिसमें 2 ही कमरे थे और अभी इसी महीने कुछ दिन पहले उन्होंने एक दंपत्ति को किराए पर दिया था, जिनके 2 बच्चे भी थे। आज सुबह यह पता चला कि कमरा बाहर से बंद था और जब हाउस ओनर्स ने जब उसको खोला तो जो महिला थी उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। दीपक बैज के प्रदेश कांग्रेस कार्यभार संभालने के बाद यह विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रखा, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सैलजा ने समर्थन दिया है। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों ने दोनों हाथ उठाकर निंदा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कड़ी निंदा करते हैं। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, अब शांति का माहौल है यहाँ। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक काम करना सबका दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके लिए तो देखिए पिछले समय तत्कालीन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष तो उन्होंने लागू किए थे, लेकिन अभी हम लोग प्रभारी से चर्चा करेंगे, सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे उसको फॉलो करेंगे क्या करना है। कि हमारी इनको आज तक गले नहीं उतर रही कि 15 साल का इनका कोई शासन खत्म हुआ और यहाँ पर हमारी सरकार बनने के बाद हमारा बेहतरीन कार्य हुआ है,
वो इनके गले नहीं उतर रही, एक के बाद एक हर स्टेट में ये खोते जा रहे हैं। खबर एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर की बड़गांव कला से है, जहां स्कूल में दो शिक्षकों की पदस्थापना तो हुई मगर शिक्षक आज तक स्कूल नहीं आए। ये स्कूल चपरासी की देखरेख में सिर्फ खुला और बंद किया जाता है, बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन करने स्कूल आते हैं और चले जाते हैं। स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ हैं पर दोनों नदारद रहते हैं। वही मामले को लेकर जनपद सदस्य और सरपंच ने बताया कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वही मामले को लेकर जिला अधिकारी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जहाँ पे ये शिकायत मिली है कि शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं और समय पे विद्यालय नहीं पहुँचते हैं, लगभग 26 जून से जो शिक्षा सत्र स्टार्ट हुआ है तब से ये शिकायत मिली है कि ऐसी व्यवस्था वहाँ पे कायम है। और इस शिकायत के आधार पे ही कल मैं भरतपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आकस्मिक जाँच के लिए भेजा था। उनके बारे में यहाँ जब से साला उत्सव मनाया गया है उस दिन से फिर एक दो दिन चले गए सब मास्टर, मिडिल स्कूल वाले शिक्षक जब से आज तक स्कूल नहीं है, चपरासी के माध्यम से अपना चल रहा है। माधमशाला बड़गांव कला में एक भी टीचर नहीं है, जब से साला उत्सव हुआ है तब से आज तक नहीं आए। नोएडा पुलिस नॉलेज कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बंदूक लूटने वाले 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में बंदूक लूटने वाले 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि बदमाश ने वर्ष 2021 में एक बंदूक की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोपी फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी तलाशने में जुटी है। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद उनकी जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य सरकारी स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने भी ज्योति मौर्य की तरह ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य ने इस मामले में प्रयागराज की घूमनगंज कोतवाली में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य समेत ससुराल 7 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस अब शुभ्रा मौर्य के लगाए आरोपों की जांच में जुट गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।